डियर स्टूडेंट्स, फाइनली वो अपडेट आ चुकी है जिसको आप सभी का बेसब्री से इंतजार था। यूटीपी यूएफएम बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको कैसे चेक करना है वो बताएंगे। अभी यूएफएम वालों का ही रिजल्ट आया है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं रीचेक का रिजल्ट आया, रीचेक का अभी नहीं आया है। रीचेक का आपका वो ही लगभग 30 तक जारी हो सकता है। आज 25 को आ गया यूएफएम का, कल हो सकता है आपका रिवैल्यूएशन का आ जाए, हो सकता है 27 को रिवैल्यूएशन का आ जाए, 28 को रिवैल्यूएशन का कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, यूएफएम का रिजल्ट आ चुका है, रीचेक का भी जल्द ही जारी होगा, लगभग 30 तक आ जाएगा, कल परसों कभी भी रिवैल्यूएशन का जारी हो सकता है। रिवैल्यूएशन बोले तो रीचेक। और देखिए रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाऊँगा वेबसाइट पर ले जाके, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम व्हाट्सअप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको व्हाट्सअप पर लिंक डायरेक्टली मिल सके, है ना। वहाँ से आप आराम से सब्सक्राइब कर लो फटाफट। देन आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ जाना होगा, या फिर लिंक में डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट यूएफएम वाले बच्चों का है। अब पहले ये सुन लो यूएफएम वाले बच्चे कौन होते हैं। यहाँ तक 3 नए लिंक जारी किए गए हैं। ये यूएफएम है अनफेयर में, मतलब जो बच्चे नकल करते हुए पकड़े गए थे उनको रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब रही बात सबसे, अब रिवैल्यूएशन बचा है तो अब रिवैल्यूएशन भी आने वाला है आपका, है ना। 4 से 5 दिन में कभी भी रिवैल्यूएशन अनाउंस हो सकता है। तैयार रहो, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। अभी यूएफएम का रिजल्ट आया है, लेकिन यूएफएम में बच्चों का क्या हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे। देखिए पहले बात सुन लो मेरी, आप सोच रहे हो हमने हमारा यूएफएम नहीं लगा है, तो आप इसमें डालोगे तो भी आपका जो पुराना रिजल्ट है वो शो करेगा। लेकिन ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ उनका ही शो करेगा जिनका यूएफएम में जो नकल करते हुए पकड़े गए थे उनका ही रिजल्ट शो करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक मेरे पास एनरोलमेंट नंबर है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूएफएम वाले बच्चों का ही शो करेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूएफएम वाले बच्चों का ही शो करेगा। ये आपका पॉलिटेक्निक का, ये फार्मेसी का, ये आपका फार्मेसी बैग स्पेशल बैग का, तो तीनों लिंक हैं। जो डिप्लोमा के छात्र हैं वो यहाँ से चेक कर लो। ईएफएम का रिजल्ट जारी हो चुका है। ईएफएम बोले तो नकल करते हुए जो पकड़े गए थे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर मैंने रिवैल्यूएशन डाला, मैं क्या इसमें चेक कर सकता हूँ। वो चेक करेंगे तो चेक करते हैं बच्चों, तो उनको पुराना रिजल्ट ही शो करेगा। जिसने भाई रिवैल्यूएशन का रिजल्ट ईएफएम में कहाँ शो करने लगेगा। तो अब बहुत से होते हैं ना ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, तो उनकी प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल अभी की डेट में हम बात करें, जो बच्चे नकल करते हुए पकड़े गए थे उनका रिजल्ट जारी हो चुका है, चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का क्लियर हुआ है, काफ़ी लोगों का भाई बैक दिखा रहा है, काफ़ी लोगों का फेल दिखा रहा है। जिनका फेल दिखा रहा है उनको तो भाई दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अब तो उनका बैक पेपर ही होगा। तो रिजल्ट आ चुका है, आप लोग चेक कर सकते हो। रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की बात करें तो वो भी जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा। 30 तक इनको सारे रिजल्ट देने हैं, ऐसा हो सकता है BTP जल्द से जल्द जारी कर दे, ठीक है। तो आप लोग चेक करके बताइए, यूएफएम वाले ही बताएंगे सिर्फ, रिवैल्यूएशन वाला नहीं आया है। बात सुन लो मेरी ध्यान से, अभी यूएफएम का ही रिजल्ट आया है, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों जैसा कि आपने देखा, यूएफएम बच्चों का रिजल्ट आ गया है, जो बच्चे नकल करते हुए पकड़े गए थे। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आपको दिखता होगा रिजल्ट मार्कशीट, यहाँ पर आपको दिखता होगा इवन सेमेस्टर करके शो कर रहा है। लेकिन जो है ये नकल करते हुए पकड़े गए थे, तो इनका जो सब्जेक्ट था वो एक सब्जेक्ट में नकल करते हुए भाई साहब ये पकड़े गए थे, तो इनका जो ओवरऑल रिजल्ट बना वो फेल का बना। क्योंकि यूएफएम में इन्होंने डिसाइजन लिया है कि इस बार काफ़ी बच्चों को, किसी को प्रमोट कर दिया बैक से, किसी को फेल कर दिया है। यूएफएम वाले बच्चों की बता रहा हूँ। तो यूएफएम का रिजल्ट आ चुका है, जाके चेक करो। देखिए रिजल्ट मैं आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखा दे रहा हूँ। डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं ये, आपकी स्क्रीन पर बच्चों लाइव रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो। फिलहाल के डेट में यूएफएम वाले बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, तो काफ़ी बच्चे को मतलब क्लियर हो गया है यूएफएम में। जिनका नहीं हुआ है यूएफएम में, तो वो सोच रहा है हमारा साथ नहीं हुआ, हम क्या करें। परेशान ना हो बेटा, अभी देखिए आपका बैक फॉर्म भी आएंगे तो उसमें क्लियर हो, बैक पेपर दे देना आप लोग, आराम से हो जाएगा। बहुत से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे क्या सोचते हैं ना कि मेरा रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है तो भी इसमें चेक करूँ, तो चेक करोगे तो पुराना ही शो करेगा ना। ये सिर्फ उन बच्चों का है जिन बच्चों ने मतलब नकल करते हुए पकड़े गए थे उनका ये है, रिवैल्यूएशन का अभी नहीं आया है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का जल्द से जल्द जारी होगा। मेरे अनुमान में मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आपका वो है। देखिए आज यूएफएम का आ गया, हो सकता है कल आपका 26 को रिवैल्यूएशन का आ जाए, हो सकता है 27 को आ जाए, 28 को आ जाए, 29 को आ जाए, हो सकता है रीचेक का रिजल्ट वो आपका 30 तारीख को जारी कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि कल संडे को आ सक, चांसेस तो कम है, लेकिन मंडे को पूरे चांसेस है कि आपका कि रीचेक का रिजल्ट देखने को मिल जाए। अभी फिलहाल यूएफएम का रिजल्ट जारी हो गया है, लाइव चेक करके मैंने दिखा भी दिया है। आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हो कि यूएफएम में आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपका दोबारा बैक आया है यूएफएम में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।